हेलो दोस्तों, देखिए आज का जो अपना टॉपिक है वह है आपका फॉरेस्ट्री, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वानिकी। यह जो है आपका फिफ्थ डीन कमेटी के जो स्टूडेंट है उनके लिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, और आपके जो फिफ्थ डीन कमेटी से जो आपके पहले के छात्र हैं उनको उनके लिए सेवन्थ सेमेस्टर में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, वन्य वृक्षों का कल्टीवेशन करना ही क्या कहलाता है आपका फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में हम कई प्रकार की इसमें भी कई शाखाएं हो जाती हैं, तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फॉरेस्ट्री इज अ थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स द क्रिएशन कंजर्वेशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या करते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट करते हैं, किसका, ऑफ फॉरेस्ट मतलब जंगल का या कहना वन का, ऑफ फॉरेस्ट एंड यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन माने होती है उपयोगिता, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ देयर रिसोर्सेज, इसके जितने भी रिसोर्स होते हैं उनको या उनकी उपयोगिता करते उपयोग करते हैं, और उनका साइंटिफिक मैनेजमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसमें जितने भी आपके ऐसे पेड़ या ऐसे वन वृक्ष होते हैं जिनकी हम कल्टिवेशन करते हैं, तो उनका उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले ऐसी हम बात करते हैं कि उनका उद्देश्य क्या होता है कि वन वृक्षों की वन वृक्षों को ग्रो करना या उनकी कल्टीवेशन करना क्यों किया जाता है, और इसको कृषि में क्यों रखा गया, उसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो देखिए डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, तो इतनी मैटर नहीं करती है, बट जानना थोड़ा आवश्यक था इसलिए हमने आपको बता दिया। यहाँ पर सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि इसका जो है उद्देश्य क्या होता है फॉरेस्ट्री का। फॉरेस्ट्री का सबसे बड़ा उद्देश्य तो आपके लिए होता है टिम्बर, मतलब कि जो आपका फर्नीचर होता है उसको प्राप्त करना। जितने भी आपके बड़े पेड़ पौधे होते हैं, जैसे आपका यूकेलिप्टस हो गया, साल, टीक, सागौन, सीसम, ये आपके जितने भी पॉपुलर, ठीक है, तो ये आपके जितने भी वन वृक्ष होते हैं उनका कल्टीवेशन करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि उनसे हमें अच्छे से अच्छा फर्नीचर प्राप्त हो सके, उससे हमें अच्छी से अच्छी जो आपकी लकड़ी होती है वो हमें प्राप्त हो सके, ठीक है। अब हम वो लकड़ी को कैसे प्राप्त करेंगे, उसका पहला तो सबसे बड़ा उसका मेन फीचर या मेन ऑब्जेक्ट तो यही हो गया। उसके अलावा यदि हम बात करें तो इसमें जो है आपके सिक्स मेन फीचर्स हैं। इसके वाइफ कौन कौन सी है, सिक्स मेन फीचर, तो उसमें देखिए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको, सिक्स एफ प्रोग्राम का मतलब है कि इसमें सिक्स एफ, कौन कौन सी सिक्स एफ, एक तो आपको फूड प्राप्त होता है, फूड, फीड, ठीक है, एक एप से आपका फूड हो गया, फीड हो गया, फूड फॉर ह्यूमन, ठीक है, फीड फॉर लाइव स्टॉक, और उसके अलावा फ्यूल जो हमें प्राप्त होता है, यानी कि जो आपकी लकड़ियां प्राप्त होती हैं, फ्यूल फॉर विलेजर्स, यानी कि जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं वह इसकी लकड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और आपका जो फाइबर इसी से बनता है, इसके कई पौधे होते हैं उनसे जो आपका फाइबर बनता है, तो जो आपका फाइबर होता है फॉर क्लोथिंग, किसके लिए, फॉर क्लोथिंग मतलब कपड़े के लिए हमें इससे फाइबर प्राप्त होता है, ठीक है। और इसमें अगली एफ जो है वह फर्नीचर की है, फर्नीचर मिलता है, फर्नीचर, और अगला जो है आपका फंड मिलता है, क्या मिलता है, फंड मिलता है। तो फर्नीचर जो है वह हम टिम्बर के लिए हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, और फंड जो है फॉर विलेजर्स के लिए। तो ये आपके सिक्स एफ प्रोग्राम, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इनको जानिए। नंबर एक पर तो हमें फूड प्राप्त होता है, फूड मतलब भोजन, ह्यूमन को किस प्रकार से भोजन प्राप्त होता है, जैसे छोटे जो आपके पौधे होते हैं, यानी कि जो आपके प्लांट्स होते हैं, ट्री होते हैं, तो वह क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, उसी को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो जो आपके कार्बोहाइड्रेट का, जो आपके ऊर्जा का स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट, उसका उपयोग करके पौधे फल बनाते हैं, और फल जो हमें प्राप्त होते हैं वह किसको प्राप्त होते हैं, ह्यूमन को प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब देखिए तो उनसे जो हमें फल प्राप्त हुआ वह किसके लिए हो गया, ह्यूमन के लिए। फीड यानी कि बहुत से ऐसे आपके वृक्ष होते हैं जिनकी डालियों को तोड़ करके हम लाइव स्टॉक को खिला देते हैं, मतलब जो भी आपके
लाइव स्टॉक का मतलब हुआ जितने भी आपके पशु हैं उनको हम तोड़कर खिला देते हैं। फ्यूल यानी कि जो भी आपकी लकड़ी होती है वह गांव में रहने वाले लोग उसका प्रयोग कर लेते हैं, जला देते हैं। फाइबर यानी कि कपड़े बनाने के लिए हम फाइबर का प्रयोग कर लेते हैं। फर्नीचर जितने भी आपके फर्नीचर बनाए जाते हैं उनका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, टिम्बर बनाने के लिए हम करते हैं। जो भी आपका कुर्सी हो गई, चेयर हो गई, टेबल हो गई, इसका प्रयोग हम अच्छी से अच्छी लकड़ी, ठीक है, और फंड का प्रयोग। तो ये जो है आपके 6F प्रोग्राम इससे जुड़े हुए हैं, इससे रिलेटेड है, इनको थोड़ा सा याद रखना, फूड फीड फ्यूल फाइबर फर्नीचर एंड फंड, ठीक है। तो ये जो है आपके 6 प्रोग्राम है, ये आपके मेन उद्देश्य है इसके, क्या है, फॉरेस्ट्री के मेन उद्देश्य है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गए आपके ऑब्जेक्ट, अब इसमें जो है आपकी कुछ चीजें पूछी जाती हैं और डायरेक्टली आपसे परीक्षा में पूछ ली जाती हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। जैसे दो टर्म आते हैं और वह दो टर्म कौन कौन से होते हैं उनको थोड़ा सा समझ लीजिए। यहीं पर देखिए सबसे पहले हम आपको एक चीज और बता दें कि यहाँ पर बात हम कर रहे हैं वनों की यानी कि जंगलों की। तो अभी हाल ही में एक नई रिपोर्ट आई है भारत सरकार के द्वारा जंगलों की, उस पर हमने वीडियो बनाई है, ठीक है, न्यू फॉरेस्ट रिपोर्ट करके हमने उस पर वीडियो बनाई है, उसको एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि यह जो रिपोर्ट है 2 साल में एक बार आती है, तो इस साल आई हुई है, हो सकता है कि आपसे एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि उससे रिलेटेड तो आपका एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है फॉरेस्ट से रिलेटेड, इसलिए हो सकता है कि पूछ ले, तो मैंने उस पर वीडियो पूरी तरीके से बनाई हुई है, ठीक है, उसे देख लेना। कुछ डाटा जैसे हम आपको बता दे रहे हैं कि जो आपके प्लान एरियाज होते हैं भारत सरकार के अनुसार, जो आपके प्लान एरिया होते हैं उनमें 33% वनों की आवश्यकता होती है, लेकिन जो आपके पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर 60% वनों की आवश्यकता होती है। कितनी होती है? 60%, ठीक है। तो ये जो है कुछ डाटा है, और जितना भी आपको डाटा कलेक्ट करना हो तो हमने पिछले वीडियो में देखना जाकर के स्टडी विद टैलेंटेड वा हमारे चैनल का नाम है, वहां पर जाएंगे आप विजिट करेंगे, आपको थोड़े ही नीचे जाते हुए आपको एक हरे कलर का थंबनेल मिल जाएगा, उस पर लिखा हुआ न्यू फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, ठीक है, तो आप वहां से जाकर के देख लेना, उस पर जो है आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गई आपकी इसकी रिपोर्ट की बात। अब देखिए बात करते हैं जैसे इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे आपका आता है सिल्वी कल्चर, क्या आता है सिल्वी कल्चर किसे कहते हैं, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। और दूसरा आता है आपका एग्रो फॉरेस्ट्री। तो देखिए सिल्वी कल्चर में क्या करते हैं, सिल्वी कल्चर में द कल्टीवेशन ऑफ ट्री क्रॉप्स, जितने भी आपके ट्री क्रॉप्स होते हैं, कल्टीवेशन ऑफ ट्री क्रॉप्स इज नोन एज ए सिल्वी कल्चर, यानी कि सिल्वी कल्चर को जो आपका सिल्वी कल्चर होता है उसे हम कहते हैं वानिकी, ठीक है। जैसे आपका कल्टीवेशन ऑफ ट्री क्रॉप होता है, ट्री क्रॉप को उगाना ही आपका सिल्वी कल्चर कहलाता है। और जो आपका एग्रो फॉरेस्ट्री होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक होता है आपका एग्रो और दूसरा होता है आपका फॉरेस्ट्री। तो अभी आपको फॉरेस्ट्री के बारे में हमने बता ही दिया, एग्रो के बारे में आप जानते ही होंगे, जितनी भी आपकी एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स के साथ साथ फॉरेस्ट क्रॉप को उगाते हैं तो वही जो है आपका दोनों को मिला करके कंबाइन नाम दे दिया गया एग्रो फॉरेस्ट्री। क्या होता है? एग्रो फॉरेस्ट्री होता है, यानी कि जब हम कल्टीवेशन ऑफ ट्री की यदि हम बात करें, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि कल्टीवेशन ऑफ ट्री कहलाता है तो कहलाता है सिल्वी कल्चर, और जब हम एग्रोनॉमिकल क्रॉप के साथ साथ फॉरेस्ट ट्री क्रॉप को यदि हम ग्रो करते हैं तो वह टर्म आपका एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है, ठीक है। ये बात लगभग आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसी में एक चीज हम आपको बता देते हैं कि जैसे आपका एक पेड़ होता है जंगल में, भारी भरकम पेड़ होते हैं, जैसे आपका ये पेड़ हो गया मान लीजिए, ठीक है, ये पेड़ हो गया। अब देखिए ये पेड़ है, इसका कुछ देखिए, जैसे ये जो आपका ये वाला पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं बोल, ये टर्म है इनको याद रखना, इसे हम कहते हैं बोल या इसी को हम पोल कह लेते हैं। क्या? बोल या पोल कहते हैं, ठीक है। अब जितना ये एरिया कवर किए हुए है, उसे हम कहते हैं कैनोपी, ठीक है, और उसे हम टर्म देते हैं कैनोपी। और जितना ये क्राउन पूरा बना हुआ है उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं क्राउन। जितना ये ऐसा ये रूप आकार जो दिख रहा है ये क्या है? इसे हम क्राउन कहते हैं। और जितनी ये जगह को घेरे हुए होता है उसे हम कहते हैं कैनोपी, और ये जो नीचे का हिस्सा होता है स्टेम वाला उसे हम कहते हैं बोल। क्या कहते हैं? बोल, या इसी को हम पोल कह देते हैं। तो इन चीजों को जानना
आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए इसी में हम आपको कुछ चीजें और बता देते हैं जो कि आपसे डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं। हमने आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको हमने बता भी दिया था, जैसे हमने बताया था शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हम क्या करते हैं कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब शिफ्ट होना। शिफ्ट होने का मतलब है कि AI खेती उन जगहों पर की जाती है जहां पर जंगल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, फॉरेस्ट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसे हम झूम खेती के नाम से भी जानते हैं, झूम खेती के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसे हम आदिम कृषि के नाम से भी जानते हैं। तो हो सकता है किसी अलग नाम से भी पूछ ले, इसलिए क्या करिए कि इनको याद भी रख लीजिए कि आपका झूम कल्टीवेशन, आदिम कृषि और शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक ही होता है। इसमें होता क्या है कि यह उन राज्यों में की जाती है जहां पर आपके जंगल ज्यादा पाए जाते हैं। तो जंगल कहां पर ज्यादा पाए जाते हैं, एक तो आपका मिजोरम और असम, ये इधर साइड के जो आपके एमपी में आपका एरिया वाइज जंगल ज्यादा पाए जाते हैं, परसेंटेज वाइज आपका मिजोरम आता है। ठीक है, तो जो आपका नया डाटा है, तो यहाँ पर जो है जितने भी आपके ज्यादा ऐसे राज्य हैं जहां पर जंगल पाए जाते हैं, उनको क्या, उनमें क्या होता है कि जो भी आपके वहां पर लोकल एरियाज में रहने वाले जो लोग होते हैं उस जंगल को जला देते हैं, उस जंगल को जला देते हैं, जलाने के बाद उन पर कृषि करते हैं और उन पर कृषि तब तक, उन पर खेती कल्टीवेशन तब तक करते हैं जब तक उस मृदा की उर्वरा शक्ति छीण नहीं हो जाती है। और जब तक मृदा की उर्वरा शक्ति छीण नहीं हो जाती है तब तक करते हैं, और जैसे ही मृदा की उर्वरा शक्ति छीण हो जाती है यानी कि उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो वह इस जगह से यहाँ पर खेती करने लगते हैं, इस जगह को छोड़कर वह पुनः यहाँ पर आते हैं और यहाँ के जंगल को जला देते हैं, और जलाने के बाद फिर यहाँ पर उसको जो है प्लाविंग करते हैं और बीज को सीड का कल्टीवेशन करते हैं। जैसे ही क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं तो यहाँ पर फिर वही प्रोडक्शन दे रहा। तो यहाँ से यहाँ तक इनको शिफ्ट होने की क्रिया को ही हमने नाम दे दिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या नाम दे दिया? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, और झूम खेती और आदिम कृषि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हो गया झूम कल्टीवेशन। अब इसी में बात आती है, एक आता है टोंग्या कल्टीवेशन। टोंग्या कल्टीवेशन को हम इस प्रकार से लिखते हैं, टोंग्या TUNGYA टोंग्या कल्टीवेशन। टोंग्या कल्टीवेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी आपका टोंग्या का मतलब होता है कि वन वृक्षों, हम वहां पर खेती करते हैं जंगलों में, तो हम वन वृक्षों को हटाते नहीं है, ना ही हम उन्हें जलाते हैं, ना ही उन्हें काटते हैं। जैसे आपका यूकेलिप्टस हो गया, यूकेलिप्टस के एक पौधा यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसके बीच में जो भी जगह पड़ी हुई है उसके बीच में हम खेती कर लेते हैं, तो वही खेती हमारी कहलाती है क्या? टोंग्या कल्टीवेशन। क्या कहलाती है? टोंग्या कल्टीवेशन। अब देखिए इसी में देखिए एक टर्म और आता है जो कि आपसे पूछ लिया जा सकता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि एक आता है एले क्रॉपिंग। क्या आता है? एले क्रॉपिंग। देखिए एले क्रॉपिंग के बारे में यदि हम बात करें, एले क्रॉपिंग में क्या होता है, एले क्रॉपिंग में जो भी आपके, जैसे आपने जो भी वृक्ष को उगाया, तो जितनी भी आपने, जैसे दो लाइनों के बीच में यानी कि इसे हम हिंदी में कहते हैं गलियारा खेती। क्या कहते हैं? गलियारा खेती कहते हैं। यानी कि गलियारा खेती का मतलब होता है दो लाइनों के बीच में, जैसे आपका ये दो लाइनें हैं, यहां पर हमने यूकेलिप्टस या साल या टीक या सीसम सागौन कुछ भी लगा दिया फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो आपके पौधे थे, ये आपके वृक्ष थे, ये तो आपके लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन इसके बीच में जो आपको ये जगह खाली पड़ी हुई दिखाई दे रही है, ये जो आपको जगह खाली पड़ी हुई दिखाई दे रही है, इसमें हम किसी ऐसी क्रॉप्स को हम ग्रो कर लेते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया था एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स, तो ऐसी कंडीशन में हम एग्रोफॉरेस्ट्री को नाम देते हैं। तो जब हम गलियारा खेती करते हैं यानी कि दो पंक्ति के बीच में पड़ी हुई जगह जो होती है उसके बीच में जब हम खेती करते हैं, तो वही आपकी कौन सी क्रॉपिंग कहलाती है? वही आपकी एले क्रॉपिंग कहलाती है। कौन सी क्रॉपिंग कहलाती है? एले क्रॉपिंग। यानी कि वन वृक्षों के बीच में, वन वृक्षों की लाइनों के बीच में जो पड़ी हुई खेती होती है, पड़ी हुई जगह होती है, उसमें हम जब खेती कल्टीवेशन करते हैं, तो वही कल्टीवेशन या वही क्रॉपिंग आपकी एले क्रॉपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? एले क्रॉपिंग कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इसी से जुड़ा हुआ एक टर्म और आता है जो कि आता है आपका रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग से क्या तात्पर्य होता है? देखिए रिले क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा, इसे हम
आपने देखा होगा एक दौड़ होती है रिले दौड़। रिले दौड़ में हम क्या करते हैं, रिले दौड़ में हम क्या करते हैं कि जो भी आपके इसमें जो है एक पार्टी में कई लोग होते हैं तो उनके हाथ में एक छड़ी इस प्रकार से पकड़ा दी जाती है, इस प्रकार से एक छड़ी पकड़ा दी जाती है। तो जब वह उस गोले का चक्कर लगा रहे होते हैं तो जैसे ही वह एक व्यक्ति जब उसकी जो कैपेसिटी होती है उतना वह दौड़ लेता है, तो दौड़ने के बाद वह जैसे ही किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी छड़ी को पकड़ा देता है जो कि उसकी टीम में होता है, उसे वह छड़ी पकड़ा देता है और फिर वह व्यक्ति रुक जाता है, दूसरा व्यक्ति आगे दौड़ने लगता है। ये होती है रिले दौड़। तो रिले दौड़ में या रिले रेस में बिल्कुल सेम इसी में रिले क्रॉपिंग होती है। रिले क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि एक फसल हमने बोई थी, एक फसल बोने से पहले ही दूसरी फसल, एक फसल हमने बोई थी अब उस बोई हुई फसल को काटने से पहले, यानी कि ये आपकी फर्स्ट क्रॉप थी, यहाँ पर हमने सोइंग की और यहाँ पर हमें हार्वेस्टिंग करनी है, तो हार्वेस्टिंग करने से पहले ही हमने दूसरी फसल की बुआई कर दी, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्या, रिले क्रॉपिंग, ठीक है। तो ये जो है आपकी लगातार, यानी कि खेत को एक भी बार परती नहीं छोड़ा जाता है बुआई करने से पहले, तो इसे हम कहते हैं रिले क्रॉपिंग, लगातार खेती करना, जिसे हम कहते हैं रिले क्रॉपिंग, ठीक है। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए इसी से जुड़े हुए कुछ और टर्म होते हैं, उनके बारे में हम समझ लेते हैं। तो इसमें जो आपका अगला चैप्टर आता है वह कौन सा होता है, अगला चैप्टर है वह है आपका रीजनरेशन। रीजनरेशन को हम हिंदी में कहते हैं पुनरुत्पादन। क्या कहते हैं, पुनरुत्पादन कहते हैं, हिंदी में हम इसे पुनरुत्पादन कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। क्या, रीजनरेशन। इसका जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन में होता है पुनरुत्पादन प्राकृतिक या कृत्रिम विधियों से वन्य फसलों को नवीनीकरण को कहते हैं। जो आपकी प्राकृतिक या कृत्रिम विधियों के द्वारा वन फसलें होती हैं उनका नवीनीकरण किया जाता है, उस विधि को हम कहते हैं रीजनरेशन, उस क्रिया को हम कहते हैं रीजनरेशन। जैसे कि आपकी कोई पुरानी फसल खड़ी हुई है वन वृक्षों की, तो उसमें हम कृत्रिम यानी कि नेचुरल या आर्टिफिशियल विधि के द्वारा उनका हम नवीनीकरण करते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया आपकी पुनरुत्पादन या इंग्लिश में कहें तो रीजनरेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, रीजनरेशन कहलाती है, ठीक है। अब रीजनरेशन किस प्रकार से, देखिए हम आपको बताते हैं कि रीजनरेशन दो प्रकार की होती है, दो प्रकार के मेथड होते हैं। एक तो होता है आपके नेचुरल, अभी आपको बताया चाहे वह कृत्रिम कर लें या प्राकृतिक कर लें, तो एक तो होता है नेचुरल रीजनरेशन और दूसरा होता है आर्टिफिशियल रीजनरेशन, आर्टिफिशियल रीजनरेशन, ठीक है। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल रीजनरेशन में क्या अंतर होता है उनको समझ लीजिए कि देखिए जो आपका नेचुरल होता है इसमें होता है बाई सीड के द्वारा। किसके द्वारा, पहला आपका बाई सीड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बाई सीड के द्वारा, अपने आप हो जाता है। क्या हो जाता है, नेचुरल हो जाता है, यानी कि अपने आप, कैसे हो जाता है, अपने आप को ना, ठीक है। अब इसके अलावा बाई वेजिटेटिव पार्ट, जैसे नेचुरल होता है तो अपने स्वतः हो जाता है, आर्टिफिशियल में क्या होता है कि इसमें ह्यूमन का कहीं ना कहीं इंटरवेंशन होता है, ह्यूमन का इंटरवेंशन होता है, यानी कि कहीं ना कहीं जो मानव होता है उसका हाथ होता है उसको करने के लिए, जैसे हम बाई सीड के द्वारा करते हैं। उसके बाद वेजिटेटिव मीन्स के द्वारा करते हैं, यानी कि जितने भी आपके वानस्पतिक भाग होते हैं उनके द्वारा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका एक तो इसमें वेजिटेटिव मीन्स में एक आता है आपका कॉपिस। क्या आता है, कॉपिस के द्वारा। तो यह जो है आपका टर्म बहुत ही प्रचलित होता है कॉपिस, इसके बारे में हम जान लेते हैं। कॉपिस होता है बाई रूट सकर्स के द्वारा होता है, बाई रूट सकर्स के द्वारा होता है, जो भी आपके रूट सकर्स होते हैं उनके द्वारा। और रूट सकर्स के द्वारा एक आता है आपका पोलार्डिंग। क्या आता है, पोलार्डिंग आता है। और पोलार्डिंग के बाद आपका आता है बाई राइजोम, यहां पर लिख दे रहे हैं बाई राइजोम और दूसरा आपका पोलार्डिंग, ठीक है। तो यहां पर हम चीजों को समझ लेते हैं। जैसे बाई सीड होता है, बाई वेजिटेटिव मीन्स होता है, आप सभी लोग जानते होंगे वानस्पतिक विधि के द्वारा जब कोई प्रोपगेशन किया जाता है वेजिटेटिव मीन्स या रीजनरेशन यदि हम करते हैं तो बाई वेजिटेटिव मीन्स रीजनरेशन हो जाता है।
कॉपीज के बारे में यदि हम बात करें तो कॉपीज जो है, कॉपीज में हम क्या करते हैं, जो भी आपके वन वृक्ष होते हैं उनको हम 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई से काट देते हैं। क्या कर देते हैं, 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई से हम काट देते हैं, तो उनका जो है रीजनरेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, रीजनरेशन हो जाता है, यानी कि जो आपके पौधे से, जो ये आपका पौधा है, जमीन से हम 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई से हम इसको काट देते हैं, 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई से हम इसको काट देते हैं, तो इसी को हम कहते हैं रीजनरेशन, या कॉपीज के द्वारा रीजनरेशन करना। क्या होता है, कॉपीज के द्वारा रीजनरेशन करना, ठीक है। अच्छा, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कॉपीज से पूछा जाता है। कॉपीज एक बहुत बड़ा जो आपका टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर फिलहाल हम समझ लेते हैं कॉपीज को। तो आपने समझ लिया, इतना सिर्फ याद रखिए कि 15 से 20 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर की पौधे से, जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई से यदि हम पौधे को काट देते हैं तो वह जो है आपका कॉपीज, बाई कॉपीज के द्वारा रीजनरेशन हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ इसकी ऊंचाई पूछी जाती है, 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई से यदि हम काट देते हैं। दूसरा आपका आता है पोलार्डिंग। पोलार्डिंग में हम क्या करते हैं, पोलार्डिंग में जैसे आपका ये जमीन हो गई और ये पौधा लगा हुआ है, पोलार्डिंग में हम लगभग कितने, 4 से 6 फीट की ऊंचाई, 4 से 6 फीट की ऊंचाई से पौधे को काट देते हैं, 4 से 6 फीट की ऊंचाई से हम पौधे को काट देते हैं, तो क्या हो जाता है, उसे हम कहते हैं पोलार्डिंग। तो पोलार्डिंग मुख्यतः कहां पर की जाती है, या किन फल किन वन वृक्षों में की जाती है, तो पोलार्डिंग मुख्यतः जम्मू एंड कश्मीर में की जाती है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है इतने इसे इतना ऊंचा क्यों काटा जाता है, 4 से 6 फीट की ऊंचाई से इसे क्यों काटा जाता है, क्योंकि इनको जो है ब्राउजिंग एनिमल्स होते हैं, ब्राउजिंग एनिमल्स का मतलब होता है जितने भी आपके चरने वाले एनिमल्स होते हैं उनसे बचाने के लिए, क्योंकि यदि हम नीचे से इनको हम काट देते हैं तो जैसे ही इसमें कलिकाएं फूटती हैं तो उन कलिकाओं को जो आपके चरने वाले ग्रेजिंग या ब्राउजिंग एनिमल्स होते हैं, ब्राउजिंग एनिमल्स होते हैं, वह इसको पुनः कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं, चर लेते हैं, तो उस चरने से बचाने के लिए, ब्राउजिंग एनिमल से बचाने के लिए हम इसको इतनी ऊंचाई से काटते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रेनिंग या प्रूनिंग की जाती है फल वृक्षों में, तो उनको भी उनकी शाखाओं को काट दिया जाता है, सेम प्रोसेस होती है पोलार्डिंग की, बस इतना अंतर होता है कि इसको हम तने की ऊंचाई से 4 से 6 फीट की ऊंचाई से पूरा का पूरा काट देते हैं, ठीक है, इतनी बात होती है। तो यहां से सिर्फ दो चीजें बनती है कॉपीज और पोलार्डिंग से, कि कॉपीज में 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई से काटा जाता है, 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई से कॉपीज में काटा जाता है, और पोलार्डिंग में 4 से 6 फीट की ऊंचाई से काटा जाता है, जो कि यह प्रोसेस आपकी जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई की जाती है। कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई की जाती है। अब देखिए आर्टिफिशियल की यदि हम बात करें, तो आर्टिफिशियल में क्या होता है, एक तो क्लोनल प्रोपगेशन, क्लोनल प्रोपगेशन में जैसे आपका एक तो आता है बाई कटिंग, क्लोनल प्रोपगेशन के द्वारा कर सकते हैं, बाई कटिंग के द्वारा कर सकते हैं, बाई ग्राफ्टिंग, बाई लेयरिंग और बाई बडिंग, बाई ग्राफ्टिंग और बाई बडिंग और बाई लेयरिंग, इन सभी चीजों से आप भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि ये जो है आपकी हॉर्टिकल्चर में पढ़ाई नहीं होंगी पहले से ही। बाई कटिंग, कटिंग आपकी कई प्रकार की होती है, जैसे आपकी सॉफ्टवुड कटिंग, हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग और आपकी हर्बेसियस, 4 प्रकार की होती है। बाई बडिंग, बडिंग भी आपकी कई प्रकार की होती है, जैसे आपकी टी बडिंग, रिंग बडिंग, पैच बडिंग और जो है आपकी एच बडिंग, ठीक है। इसी प्रकार से ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग भी आपकी 2 प्रकार की होती है। ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, एक होता है आपका रूट स्टॉक, दूसरा होता है स्टाइन। तो रूट स्टॉक और स्टाइन का प्रयोग किया जाता है, डिटैच्ड और अटैच्ड मेथड होते हैं इसके, ठीक है। बाई लेयरिंग, लेयरिंग भी आपकी 2 प्रकार की होती है, एयर लेयरिंग और ग्राउंड लेयरिंग। एयर लेयरिंग में हम क्या करते हैं, जब किसी पौधे की शाखा को यहां से इसकी छाल को उतार करके इस पर कपड़ा बांध करके उसको हम जब हम दूसरा पौधा यहां से विकसित करते हैं तो उसे हम कहते हैं एयर लेयरिंग, और जब इसी फल वृक्ष की शाखा को मिट्टी में दबा करके जब हम कोई दूसरा पौधा तैयार करते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्राउंड लेयरिंग। ग्राउंड लेयरिंग का मतलब होता है जो ग्राउंड में की जाती है नीचे दबाकर, और एयर लेयरिंग का मतलब एयर में ही, यानी कि हवा के माध्यम में ही कर देते हैं, यहां पर छिलका हटाकर।
तो उसे हम कहते हैं एयर लेयरिंग। ठीक है, तो एयर लेयरिंग भी आपकी, आप जैसे ग्राउंड लेयरिंग होती है वो भी आपकी कई प्रकार की होती है, जैसे इसी में आपकी एक आती है सरपेंटाइन। सरपेंटाइन का मतलब होता है कई बार इसे हम जमीन में दबा देते हैं, जमीन में जब कई बार दबा देते हैं, जैसे यहां से एक पौधा बनकर के तैयार होगा, एक पौधा यहां से बनकर तैयार होगा, एक पौधा यहां से बनकर तैयार होगा, जितनी बार उसे दबाया दबाया जाएगा, फिर उठाया जाएगा, फिर दबाया जाएगा, तो ये एक जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये आपके सर्प के आकार का स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए इसे हम नाम देते हैं सरपेंटाइन। क्या नाम देते हैं? सरपेंटाइन लेयरिंग। तो ये था आपका रीजनरेशन। ठीक है, अब देखिए इससे जुड़े हुए इससे कई तथ्य ऐसे हैं जो कि आपको बताने में काफी समय लगेगा, वीडियो भी लगभग 25 मिनट का हो चुका है, तो इसको हम यहीं पर खत्म करते हैं। कॉपीज के बारे में आपको बात करेंगे कि कॉपीज किन किन फल किन किन वन वृक्षों में की जाती है, और कॉपीज भी कई प्रकार की होती है, जैसे गुड कॉपीज, स्ट्रांग एक्सट्रीम कॉपीज और बैड कॉपीज। ठीक है, मीडियम गुड कॉपीज, इस प्रकार से जो है आपकी फेयर कॉपीज, तो इस प्रकार से कई प्रकार की कॉपीज होती है और किन किन वन वृक्षों में की जाती है, तो उनको जानने के लिए हम आपके अगले वीडियो में उनकी इन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो है आपका आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको पूरा देखिएगा। तो यहां तक देखिए, आप लगभग कोई भी यदि आपको क्वेरी रहती है तो हमें कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप हमें पूछ सकते हैं, और इसके अलावा जैसे क्विज की यदि हम बात करें तो क्विज में हम अपने टेलीग्राम चैनल, इसका नाम है स्टडी विथ टैलेंटेड बॉय, तो उस चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप पर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इसके नोट्स वहीं पर हम प्रोवाइड करा देते हैं, और क्विज भी हमने वहां पर स्टार्ट कर दिया है, तो यदि आप क्विज देना चाहते हैं तो प्लीज वहां पर आइए, उसको ज्वाइन करिए और क्विज भी क्विज में शामिल होइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज क्लास को वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। आपसे आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।